नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तमाम रोकटोक और कड़े कानूनों के बावजूद भी हर्ष फायरिंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोजपुर में आए दिन हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती ही रहती है। अब ऐसे में बीती रात हर्ष फायरिंग का मामला भोजपुर से सामने आया है, जहां पर भोजपुर के कोइलवर के बाग मंजौवा गांव में एक शादी समारोह में बदमाशों ने हर्ष फायरिंग करनी शुरू कर दी और एक नर्तकी को गोली मार दी। नर्तकी के जांघ पर गोली लगी, जिसके बाद उसे आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं बता दें कि भोजपुर के कोइलवर के बाग मंजौवा गांव में एक शादी समारोह थी बंटी सिंह के यहां, वहां पर एक डांस प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था। इस डांस प्रोग्राम में नर्तकियों को भी बुलाया गया था। नर्तकियां वहां पर डांस कर रही थी, जिसके बाद बदमाश आए और हर्ष फायरिंग करनी शुरू कर दी और हर्ष फायरिंग के दौरान बदमाशों ने नर्तकी के जांघ पर गोली मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि नर्तकी फरीदाबाद की रहने वाली 23 वर्षीय सोनम कुमारी है। वहीं ऐसा मामला लगातार सामने आता ही रहता है, जहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान किसी न किसी को गोली लगती ही है और हताहत होते ही है लोग। कैसे हुआ था, कैसे लगा रहे थे? एक्चुअली हम लोग शो करने के लिए गए थे आरा पे ही, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे वो जो पंडाल सा बना देते हैं, वहाँ पे हम तीन गर्ल्स बैठे हुए थे नॉर्मल। पहले से वो लोग फायरिंग कर रहे थे, हवा फायरिंग, तो हम लोगों ने मना किया कि ये सब क्या हो रहा, हम नहीं करेंगे। तो हम लोग जाके बैठ गए, दो गर्ल्स डांस कर रही थी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि सीधा गोली मेरे चांद पे लग जाती, पता ही नहीं चला कि किसने मारा कैसे मारा, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं चला। कितने लोग हथियार लेके बैठे थे? कम काफी लोगों ने हथियार ले रहे थे, कितने अंदाजा? मैंने कम से कम 5-6 को तो मैंने खुद देखा था कि वहाँ पे थे उनके। गाँव का नाम जानती है, कहाँ प्रोग्राम हुआ था? कुछ प्रॉपर नहीं पता गाँव का नाम। हर्ष फायरिंग किया जा रहा था? हाँ जी, उसमें आपको लग गया? हाँ जी, उसमें मुझे लग गया। आप लोग आती हैं डांस करने या फिर बाहर से, तो प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था देखती नहीं है कि इस तरह? देखिए, प्रॉपर व्यवस्था होता है, लेकिन ऐसे पब्लिक का नहीं भरोसा होता कि कब कौन क्या कर दे। जो भी हमें मतलब जिसके पास, मैं तो अपने फ्रेंड के पास ही आई थी, तो नहीं था पता कि ऐसा इनकेस होगा, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि तमाम रोक टोक और तमाम कड़े कानूनों के बावजूद भी हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं लेता है और इस पर कब तक काबू पाया जाता है, यह एक देखने वाली बात होगी। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।